Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum. Welcome to Al Hadi Foundation School. So students, please open your books, page number 52. Unit number 5, The Ambassador's Disguise. Bhes badla hua safir. In the palace of Vladimir, a great Russian prince of Kiev, all the nobles were making boasts. Ek dafa, in the palace of Vladimir, Vladimir ke mahal mein, a great Russian prince of Kiev, jo ke Kiev ka Rusi shehzada, ek azim Rusi shehzada tha, all the nobles were making boasts. To uske mahal mein, jo jitne bhi umra the, वो शेखियाँ बिगा रहे थे. वन नोबल बोस्टेड ऑफ हिज स्ट्रेंथ, एक जो उनमें से अमीर था उसने अपनी ताकत के बारे में शेखी बिगारी. अनदर शोड ऑफ हिज विजडम, और दूसरे ने अपनी जो अकल और जहानत थी उसको ज़ाहिर किया. अदर्स बोस्टेड ऑफ देयर वेल्थ और देयर ट्रस्टेड हॉर्सेस, और जो दूसरे थे उन्होंने अपनी दौलत और जो काबिल इतबार घोड़े थे उनके बारे में शेही बिगारी. वन नोबल स्टावर गॉर्डिनोविच सेड नथिंग एट ऑल, तो उनमें से जो एक अमीर था स्टावर गॉर्डिनोविच, उसने बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा. ही सैट विद अ ड्रीमी लुक ऑन हिज फेस, वो एक ख्वाबी शक्ल लिए हुए अपने चेहरे पे बैठा हुआ था. प्रिंस व्लादिमीर नोटिस्ड दिस एंड आस्क, जो शहजादा था व्लादिमीर उसने ये नोट किया, उसको ये देखा एंड आस्क और पूछा, व्हाई आर यू साइलेंट, तुम खामोश क्यों हो स्टावर, हैव यू नथिंग टू से, तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है. Great Prince, replied Stavr, I have nothing to boast of except my wife, Katharina. तो स्टावर ने जवाब दिया, अजीम शहजादे, मेरे पास शेही बिगाने के लिए मेरी बीवी के सिवा कुछ भी नहीं. She is young and beautiful, वो जवान और खूबसूरत है. Braver and more skillful than any warrior here, और वो बहादुर है और हुनरमंद है यहाँ पे जो जंग जो हैं उनसे ज़्यादा. शी कैन शूट विद अ बो, सिंग लाइक ए नाइटिंगेल एंड एन्चांट एवरीवन विद हर हार्प. शी कैन शूट विद अ बो, तो वो जो कमान है उसके साथ निशाना लगा सकती है. सिंग लाइक अ नाइटिंगेल, और वो बुलबुल की तरह गाना गाती है. एंड एन्चांट एवरीवन विद हर हार्प, और अपने हार्प कहते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को, और वो जो हार्प बजाती है उससे हर कोई मुतासिर होता है. एंड नो वन हेयर विल एवर बीट हर एट चेस, चेस कहते हैं गेम को जो शतरंज की गेम होती है. और फिर उसने कहा कि नो वन हेयर विल एवर बीट हर एट चेस, तो यहाँ पे कोई भी नहीं है जो उसको गेम में हरा सकेगा. Is that so? Interrupted the prince. क्या ऐसा ही है, जो शहजादा था उसने बात को काटते हुए कहा. Yes indeed, great prince, replied Stavr. जी इसमें कोई शक नहीं अजीम शहजादे, स्टावर ने जवाब दिया. She could easily defeat all your nobles. तो वो अपनी बीवी के बारे में कह रहा है कि वो आसानी से आपके जितने भी यहाँ पे उमरा हैं उनको हरा सकती है. एंड पार्डन मी फॉर सेइंग सो, और मैं ये जो कहने जा रहा हूँ इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ ग्रेट प्रिंस अजीम शहजादे, बट यू आर नो मैच फॉर हर आइदर, लेकिन आप भी उसके मुकाबले के नहीं हैं.
प्रिंस बिकेम वेरी एंग्री, जो शहजादा था वो गुस्से हो गया. व्हेन ही हर्ड दिस, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से हो गया जब उसने ये सुना. ही क्लियर्ड एट टावर एंड सेट, उसने टावर को घूरा और कहा, यू हैव गोन टू फॉर दिस टाइम, तुमने बहुत दूर की बात की है. हाउ डे यू से, तुम्हारी ये कहने की कैसे जुरत हुई, दैट आई एम नो मैच फॉर योर वाइफ, कि मैं तुम्हारी बीवी के मुकाबले का नहीं हूँ. द प्रिंस पॉइंटेड अ फिंगर एट टावर, शहजादे ने टावर की तरफ उंगली से इशारा किया. एंड टर्निंग टू वन ऑफ हिज गार्ड्स, और अपने गार्ड्स में से एक गार्ड की तरफ मुड़ा. सेड, और कहा, टेक दिस मैन अवे, इस आदमी को यहाँ से दूर ले जाओ. थ्रो हिम इन टू डेंजन, इसको कैद खाने में फेंक दो. गिव हिम ओट्स एंड वाटर, इसे सिर्फ जो की रोटी और पानी दो. नथिंग मोर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं. नाउ गो, अब चले जाओ. गार्ड डिड एज ही वॉज इंस्ट्रक्टेड, तो जो गार्ड था उसने ऐसा ही किया जैसे उसे हुक्म दिया गया था. ही थ्रू स्टावर इन टू ए कोल्ड डार्क डंजन, तो उसने स्टावर को एक सर्द और अंधेरे कैद खाने में फेंक दिया. द ओनली लाइट केम फ्रॉम अ स्मॉल विंडो विथ थिक आयरन बार्स हाई अप नियर द सीलिंग. द ओनली लाइट केम फ्रॉम अ स्मॉल विंडो, तो जो रोशनी थी वो सिर्फ एक जो छोटी सी खिड़की थी वहाँ से आ रही थी. विथ थिक आयरन बार्स, और उसके आगे जो मोटी सलाखें थी वो खिड़की के आगे लगी हुई थी. हाई अप नियर द सीलिंग, तो छत के पास जो एक छोटी खिड़की थी जिसके ऊपर लोहे की सलाखें लगी हुई थी, वहाँ से सिर्फ थोड़ी सी रोशनी अंदर आ रही थी. ऑल स्टावर कुड सी वॉज द स्काई, और उसमें से सिर्फ स्टावर जो था वो आसमान को देख सकता था. ही सैट ऑन द कोल्ड स्टोन फ्लोर फीलिंग वेरी सैड. ही सैट ऑन द कोल्ड, और जो वो सर्द और पत्थरों वाला फर्श था, स्टावर उस पर बैठ गया और अफसुर्दा हो गया. As night fell, Stavar looked out of the window at the stars in the sky. तो जैसे ही रात हुई तो स्टावर ने खिड़की से बाहर जो सितारे थे आसमान पे उनको देखा. Alas, अफसोस, he thought to himself, उसने सोचा, I have served the prince for 9 years, मैंने शहजादे की 9 साल खिदमत की, and this is how he repays me, और उसके बदले उसने मेरे साथ ऐसा किया. आई एम सॉरी आई हर्ट द प्रिंस, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने जो शहजादा था उसको तकलीफ दी. बट आई ओनली स्पोक द ट्रूथ अबाउट माई वाइफ, लेकिन मैंने सिर्फ सच बोला अपनी बीवी के बारे में. आई होप समवन टेल्स कैथरीना वेयर आई एम, मुझे उम्मीद है कि कोई कैथरीना को बताए कि मैं कहाँ हूँ. हर्ड वट हैड हैपन टू हर हजबेंड, कैथरीना ने यह सुना कि उसके शोहर के साथ क्या हुआ. शी ट्राई टू विजिट हिम द फॉलोइंग डे, तो अगले दिन कैथरीना ने वहाँ पर जाने की कोशिश की. बट द गार्ड्स वुड नॉट लेट हर इन, लेकिन गार्ड्स ने उसे अंदर नहीं जाने दिया. सो शी थॉट ऑफ अ प्लान टू रेस्क्यू हिम, तो फिर कैथरीना ने एक मंसूबा सोचा अपने शोहर को बचाने के लिए. कैथरीना कॉल्ड टुगेदर हर बैंड ऑफ 30 आर्चर्स, 30 चेस मास्टर्स एंड 30 म्यूजिशंस, तो कैथरीना ने एक जो पूरा उसका ग्रो था उसको बुलाया, जिसमें 30 तीरंदाज, 30 शतरंज के जो खिलाड़ी थे और 30 मौसीकार थे जो उसमें शामिल थे. शी टोल्ड दम शी नीडेड देयर हेल्प टू रेस्क्यू हर हस्बैंड, तो उसने उन्हें बताया कि उसे उनकी ज़रूरत है क्योंकि वो अपने शोहर को बचाना चाहती है. एंड दे अग्री टू हेल्प हर.
और वो उसकी मदद करने के लिए राजी हो गए। द नेक्स्ट डे कैथरीना गॉट रेडी। अगले दिन कैथरीना तैयार हो गई। शी वोर अ सूट ऑफ आर्मर विद अ हेलमेट टू कवर हर फेस। शी वोर अ सूट ऑफ आर्मर, तो आर्मर का जो जंग वाला जो लिबास होता है, अहनी लिबास उसने पहना। विद अ हेलमेट टू कवर हर फेस, और एक हेलमेट भी उसके साथ था जिसने उसके फेस उसके चेहरे को ढांप लिया। शी कैरीड अ बो एंड सम एरोस, अ क्लब ऑफ स्टील एंड अ लॉन्ग लांस। उसने अपने साथ एक कमान, कुछ तीर और एक जो क्लब था, जो एक डंडा था स्टील का, वो और एक लंबा नेजा अपने साथ लिया। पॉस्ट ऑन हर लेफ्ट फॉर आर्म वॉज अ फाल्कन, तो उसके बाएं कंधे पर बाज बैठा हुआ था। शी माउंटेड अ टॉल ब्लैक हॉर्स, एक बड़े काले घोड़े पर बैठ गई। When her friends arrived, जब उसके दोस्त पहुँचे, she set off for the palace leading them. तो वो उनकी रहनुमाई करते हुए महल की तरफ रवाना हुई। A short distance from the walls of the city, तो जो शहर की दीवारें थीं उनसे कुछ फासले पर, Katharina told her followers to wait. तो उसने अपने दोस्तों को इंतज़ार के लिए कहा। She rode by herself into the city. वो शहर खुद सवारी करते हुए गई। एंड वेंट टू द ग्रेट हॉल ऑफ द पैलेस, और जो महल का बड़ा हॉल था वहाँ चली गई। ऑल द पीपल थॉट शी वॉज सम ग्रेट वॉरियर, तमाम जो लोग थे उन्होंने सोचा शी वॉज सम ग्रेट वॉरियर, कि वो एक बड़ी जंगजू है। Of course, no one guessed she was a woman. तो यकीनन कोई भी ये अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा कि वो एक औरत थी। Katharina bowed to Prince Vladimir. तो Katharina जो शहजादा था व्लादिमिर, उसके आगे झुकी। I am the ambassador of the king of Greek, she announced. तो उसने ऐलान किया कि मैं यूनान के बादशाह का एक सफ़ीर हूँ। आई हैव कम टू कलेक्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम यू, मैं आपसे मुआवजा जमा करने आया हूँ। इफ़ यू रिफ्यूज्ड टू पे, माई आर्मी ऑफ 40,000 मैन विल अटैक योर सिटी। तो अगर आपने वो मुआवजा देने से इनकार किया तो मेरी जो 40,000 आदमियों की फ़ौज है वो आपकी आपका जो शहर है उस पर हमला कर देगी। प्रिंस व्लादिमिर ट्रेम्बल विद फियर, जो शहजादा था व्लादिमिर वो खौफ से कांपा। गिव मी टाइम टू थिंक, मुझे सोचने के लिए वक्त दो एम्बेसडर सफीर, ही बैक्ड उसने दरख्वास्त की। टाइम इज प्रेशियस, रोड द एम्बेसडर, वक्त कीमती है सफ़ीर ने चिल्ला कर कहा। आई वॉन्ट योर आंसर नाउ, मुझे अभी आपका जवाब चाहिए। पे द ट्रिब्यूट और वी विल अटैक, आप मुआवजा दें या हम आपकी जो सिटी है उस पर हमला कर देंगे। इफ़ यू कैन नॉट पे देन गिवन मी योर नीस ज़बावा टू बी माई वाइफ, तो अगर आप नहीं पे करेंगे, अगर आप नहीं अदा करेंगे, देन गिव मी योर नीस, तो अपनी भतीजी जो आपकी ज़बावा है वो मुझे दें टू बी माई वाइफ, कि मैं उससे शादी करूँ। द प्रिंस नीस ज़बावा वॉज अ ब्यूटिफुल एंड क्लेवर गर्ल, जो शहजादे की भतीजी ज़बावा थी वो बहुत खूबसूरत और ज़हीन लड़की थी। द प्रिंस लव्ड हर डियरली, तो शहजादा उसे बहुत प्यार करता था। देयर वॉज नथिंग इन द वर्ल्ड ही वुड डू टू हार्म हर, तो दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि ज़बावा को नुकसान पहुँचा सके।
एट दिस टाइम जबावा वॉज सिटिंग इन द ग्रेट हॉल. तो इस वक्त जो जबावा थी वो ग्रेट हॉल में बैठी हुई थी, बड़े उस हॉल में बैठी हुई थी. वॉचिंग एंड लिसनिंग टू ऑल दैट वॉज सेड, और वो देख रही थी और सुन रही थी जो कुछ वहाँ पे कहा गया. The prince asked her, beloved niece, only you can save us. What are we to do? तो शहजादे ने फिर अपनी जो प्यारी भतीजी से उससे पूछा, only you can save us. सिर्फ तुम हमें बचा सकती हो. What are we to do? हम क्या करें? Dear uncle, replied Zabawa, I obey you in all matters, but I cannot marry a woman. प्यारे अंकल, जबावा ने जवाब दिया, मैं तमाम मामलात में आपका हुक्म मानती हूँ, लेकिन मैं एक औरत से शादी नहीं कर सकती. दिस एम्बेसडर इज़ नॉट अ मैन बट अ वुमेन. ये सफ़ीर एक मर्द नहीं लेकिन एक बल्कि एक औरत है. सी हाउ द एम्बेसडर टॉक्स एंड वॉक्स. तो फिर जबावा ने कहा, देखें ये जो सफ़ीर है ये कैसे चलता है और बात करता है. Look at the ring marks on her delicate fingers. Look at the ring marks. तो इसकी जो नाजुक उंगलियां हैं उस पर अंगूठियों के निशान देखें. You may be right, agreed the prince. हो सकता है तुम ठीक कह रही हो, प्रिंस ने इत्तफाक करते हुए कहा. But what can we do to find out if the ambassador is a man or a woman? लेकिन हम ये कैसे, हमें कैसे ये पता चलेगा और हम कैसे ये तलाश करेंगे कि जो सफ़ीर है वो एक मर्द है या एक औरत है? A little later, Prince Vladimir spoke to the ambassador. कुछ देर के बाद शहजादे ने सफ़ीर से बात की. Dear ambassador, said the prince, My niece is used to people with great skills. तो उसने सफ़ीर से कहा कि मेरी जो भतीजी है वो माहिर लोगों से मिलने की आदी है, जो हुनरमंद होते हैं. I can only allow her. मैं सिर्फ उसको इस सूरत इजाज़त दूंगा to marry you, तुमसे शादी करने की. If you can show, अगर तुम हमें दिखा सकते हो You are skillful, कि तुम माहिर हो, तो मैं उसी सूरत उसको तुमसे शादी करने की इजाज़त दूंगा जब तुम अपनी जो महारत है वो हमें दिखा सकोगे. Come show us if you can play the harp. हार्प कहते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को. तो शहजादे ने उससे कहा कि आओ और हमें, अगर तुम ये हार्प बजा सकते हो तो ये बजा के हमें दिखाओ. A harp was brought and Katrina began to play it and sing. तो जो harp था उसे लाया गया और Katrina ने उसे बजाना शुरू किया और गाना गाना शुरू किया. The nobles were enchanted with the music. और जितने भी वहाँ पे उम्रा थे वो इसके गाने से बहुत मुतासिर हुए. But no one could tell whether the ambassador was a man or a woman. लेकिन कोई भी ये ना बता सका कि जो सफ़ीर है वो मर्द है या औरत है. देन द प्रिंस आस्क द एम्बेसडर. तो फिर जो है शहजादे ने सफ़ीर से पूछा टू प्ले अ गेम ऑफ चेस, कि वो जो शतरंज की गेम है वो खेले. द प्रिंस वॉज द बेस्ट प्लेयर इन द लैंड. तो इस ज़मीन पे जो ये सिटी थी इस पे जो शहजादा था वो बेहतरीन खिलाड़ी था. ही बिलीव्ड, उसका यकीन था, इफ़ द एम्बेसडर वॉज अ वुमेन, कि अगर सफ़ीर औरत हुई शी वुड लॉस, तो वो हार जाएगी. मच टू द प्रिंस एस्टॉनिशमेंट द एम्बेसडर वॉन द गेम. तो बहुत ज़्यादा ये प्रिंस के लिए हैरत की बात थी कि जो सफ़ीर था वो ये गेम, जो खेल था वो जीत गया. द प्रिंस टर्न टू जबावा. तो जो शहजादा था वो जबावा की तरफ मुड़ा. दिस इज़ नो वुमेन, ही विस्पर्ड. तो उसने कहा, सरगोशी करते हुए कहा कि ये औरत नहीं है. आई एम श्योर शी इज़, रिप्लाइड जबावा. तो जबावा ने कहा कि मुझे यकीन है कि ये औरत है. द प्रिंस थॉट फॉर अ वाइल. कुछ लम्हे के लिए शहजादे ने सोचा. देन सेड टू द एम्बेसडर.
और फिर सफ़ीर से कहा, लेट अस नाउ ट्राई सम आर्चरी, चलो कुछ तीर अंदाजी की करने कोशिश करते हैं। द प्रिंस, द एम्बेसडर एंड द नोबल्स ऑल वेंट आउटसाइड इनटू अ लार्ज कोर्टयार्ड। शहजादा, सफ़ीर और जितने भी उमरा थे वो सब बाहर चले गए एक बड़े सहन में। अ गोल्डन रिंग वॉज सेट अप एट वन एंड, और एक जो कोना था उस पर एक बड़ा सुनहरी रिंग जो था उसको रखा गया, सेट किया गया। एंड द प्रिंस प्लेस्ड अ स्टील नाइफ बिहाइंड इट, और जो शहजादा था उसने एक जो स्टील की छुरी थी उसको उसके रिंग के पीछे प्लेस किया, उसको रखा। फर्स्ट द प्रिंस शूट थ्री एरोस एट द टारगेट, तो जो शहजादा था पहले उसने तीन जो तीर थे उसके साथ निशाना बनाया। द एरोस पास्ड थ्रू द रिंग, जो एरोस थे जो तीर थे वो रिंग के पास से गुजर गए बट डिड नॉट हिट द नाइफ। उन्होंने जो नाइफ थी जो छुरी थी उसको हिट नहीं किया, उसके साथ वो नहीं टकराई। देन द एम्बेसडर शूट एन एरो एट द रिंग, फिर जो सफ़ीर था उसने निशाना बनाया तीर से। द एरो हिस्ट लाइक अ स्नेक एज इट फ्लू, वो जो तीर था वो सांप की सरसराहट की तरह उड़ा। इट पास्ड थ्रू द रिंग एंड कट इट सेल्फ into two against the edge of the knife. तो जो तीर था वो रिंग से गुजरा और जब वो छुरी के साथ लगा तो उसके दो टुकड़े हो गए। The prince was now sure that the ambassador was a man. तो जो शहजादा था उसे अब यकीन हो गया था कि जो एम्बेसडर है जो सफ़ीर था वो एक आदमी था। बट ज़बावा स्टिल डिड नॉट अग्री विद हिम, लेकिन जो ज़बावा थी उसने अभी तक अपने जो प्रिंस था व्लादिमीर उसके साथ इत्तफाक नहीं किया। आई शल नॉट मैरी अ वुमेन, शी क्राइड, तो उसने चिल्ला कर कहा कि मैं एक औरत से शादी नहीं करूँगी। द एम्बेसडर मे शूट एरोस जस्ट लाइक अ मैन, तो हो सकता है कि जो सफ़ीर है ये मर्दों की तरह तीर अंदाजी कर सकता है। बट ही टॉक्स वॉक्स एंड सिट्स जस्ट लाइक अ वुमेन, लेकिन ये चलता बात करता और बैठता बिल्कुल औरतों की तरह है। प्रिंस बिकेम एंग्री, दो शहजादे को गुस्सा आ गया। यू आर बींग सिली, तुम बेवकूफ मत बनो। He said, उसने कहा, I ordered you to marry the ambassador. मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम सफ़ीर से शादी करो। Go, prepare for your wedding. जाओ और अपनी शादी के लिए तैयार हो। ज़बावा ran off in tears. ज़बावा जो है वो रोती रोती भाग गई। The prince told the ambassador that his bride would soon be ready. तो शहजादे ने सफ़ीर को बताया कि उसकी दुल्हन जल्द ही तैयार हो जाएगी। बट कैटरीना डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू दिस गेम, लेकिन कैटरीना ने ये फैसला किया कि अब वो ये जो खेल खेल रही है इसको ख़त्म करेगी। शी सेड टू द प्रिंस, उसने शहजादे से कहा, बिफोर द वेडिंग, शादी से पहले, लेट अस फाइट ईच अदर, कि हम एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। लेट अस सी हु इज स्ट्रोंगर, तो देखते हैं कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है। ट्रेम्बलिंग एट दिस सजेशन, तो उसके जो ये सलाह थी उसका जो मशवरा था उस पर जो शहजादा था वो कांपने लगा। द प्रिंस सेड, शहजादे ने कहा, एम्बेसडर देर इज़ नो वन हेयर हु इज़ योर मैच, कि यहाँ पर कोई भी नहीं है जो तुम्हारा मुकाबला कर सके या जो तुम्हारे मुकाबले का हो। ओह डियर, रिप्लाइड कैटरीना, इज़ देयर नो वन, क्या यहाँ कोई नहीं है। आई वॉज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू सम स्पोर्ट, मैं सामने कुछ जो गेम है उसकी तरफ देख रही हूँ। परहैप्स शायद देर इज़ अ ब्रेव वॉरियर इन योर डंजन्स, पता है कि तुम्हारे कैद खाने में कोई बहादुर जंगजू हो। हु कुड फाइट मी, जो मुझसे फ़ाइट कर सकता है।
वो कहती है कि मैं ये देख रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि हो सकता है तुम्हारे कैद खाने जो हैं उसमें कोई बहादुर जंगजू हो जो मुझसे हो सकता है फाइट कर सके। यस यस देयर इज सेड द प्रिंस स्माइलिंग एंड रिमेंबरिंग स्टावर गॉडिनोविच। तो शहजादे ने मुस्कुराते हुए और याद करते हुए जो स्टावर गॉडिनोविच था उसे याद करते हुए कहा, हाँ हाँ है। ही इमीडिएटली ऑर्डर्ड द गार्ड्स, उसने जल्दी से जो उसके गार्ड्स थे उनको ऑर्डर किया टू ब्रिंग स्टावर फ्रॉम द डंजन्स, कि वो स्टावर को कैद खाने से ले आए। सून स्टावर गॉडिनोविच अराइव्ड, तो जल्द ही जो स्टावर गॉडिनोविच था वो आ गया। ही वॉज ऑर्डर्ड टू पुट एन ए सूट ऑफ आर्मर एंड माउंट ए हॉर्स, तो उसे हुक्म दिया गया कि वो पहले एक आनी लिबास और घोड़े पर सवार हो जाए। व्हेन स्टावर वॉज रेडी, जब स्टावर तैयार हो गया, ही एंड द एम्बेसडर गैलप्ड इनटू अ नियर बाय फील्ड, तो जो सफीर और स्टावर था वो दोनों घोड़े पर सवार हुए और नज़दीक खेतों में चले गए। ऑल द नोबल्स वेंट टू वॉच द ग्रेट फाइट, और जितने उमरा थे वो भी इस जो बड़ी लड़ाई थी उसको देखने के लिए चले गए। देन एम्बेसडर एंड स्टावर रोड टूवर्ड्स ईच अदर, तो फिर उसके बाद सफीर ने और स्टावर ने एक दूसरे की तरफ सवारी की। एंड देन लेप्ट फ्रॉम हॉर्स टू हॉर्स, तो फिर एक दूसरे के घोड़े पे छलांग लगाई। दे थ्रू देयर स्टील क्लब्स इन द एयर, तो उन्होंने जो उनके स्टील के क्लब्स जो डंडे थे उन्होंने हवा में फेंके। एंड देन रोड स्ट्रेट टूवर्ड्स द प्रिंस, और फिर सीधे सवारी करते हुए शहजादे के पास आए। द टेरिबल एम्बेसडर ऑफ ग्रीक टुक ऑफ हर हेलमेट, तो जो खौफनाक सफीर था यूनान का उसने अपना हेलमेट उतारा। एंड थ्रू इट एट द फीट ऑफ द प्रिंस, और उसे शहजादे के कदमों में फेंक दिया। कैथरीनाज ब्यूटिफुल लॉन्ग हेयर फेल डाउन ओवर हर शोल्डर्स, तो कैथरीना के जो बड़े लंबे बाल थे वो उसके कंधों पर गिरे। द नोबल्स गास्प्ड इन सरप्राइज, तो जो उमरा थे वो बहुत ज़्यादा हैरत ज़्यादा हुए और उस हैरत की वजह से वो हांप गए, हक्के बक्के रह गए और उनके जो मुंह थे वो खुले के खुले रह गए। ग्रेट प्रिंस लाफ्ड कैथरीना, तो उसने कहा, अजीम शहजादे कैथरीना हंसी, आई हैव रेस्क्यूड माय हस्बैंड फ्रॉम योर डंजन्स, तो मैंने तुम्हारे कैद खाने से अपने शोहर को बचा लिया। यू मस्ट अग्री, अब तुम्हें इस बात से ज़रूर इत्तफाक करना होगा। He was right to boast of my skills, कि मेरा जो शोर था वो ठीक था जो उसने मेरी महारत के बारे में शेही बिगाड़ी थी। Now farewell, अब खुदा हाफिज। And laughing together, और वो अब दोनों जो Katharina and Stavr Gordinovich रोड अवे, और वो दोनों मिल के अब हंसने लगे और दोनों सवारी करते हुए यहाँ से चले गए। दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।